अनाउंसमेंट एक कर देना चाहता हूँ, ठीक है। सो एक बुरी खबर है तुम्हारे लिए, एक अच्छी खबर है, दोनों में थोड़ा सा टाइम लगेगा तो सुन लेना ढंग से। पहले बुरी खबर से स्टार्ट करते हैं कि बहुत मतलब समझ लो एक हफ्ते से तुम देख पा रहे हो थोड़ा सा मैं कंसिस्टेंट नहीं हूँ, ठीक है। सो उसकी रीजन ये है कि मैं चिल नहीं कर रहा भाई, चिल नहीं कर रहा तुम्हारा भाई, एग्जाम पे प्रिपरेशन कर रहा है, एग्जाम थोड़ा करीब है तो वही तुमको बताना था। तो ये मन थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है, थोड़े वीडियोज कम आ सकते हैं, तो क्योंकि ले भाई एग्जाम्स भी इसी मंथ में है, ठीक है, और प्रिपरेशन भी करने में टाइम लगता है। और ये बात तो खत्म हो गई, ठीक है। अब अच्छी खबर सुन लो, वो क्या है, ठीक है, कि अपन इनकंसिस्टेंट पूरे के पूरे नहीं होंगे, ठीक है। अपन शॉर्ट्स पे तुमको दिखेंगे, शॉर्ट्स अपन एकदम कंसिस्टेंट रहेंगे, ठीक है। और दूसरी बात ये मैं ट्राई करूंगा तुम्हारे लिए थोड़े से बोनस वीडियो भी बना दूँ शॉर्ट्स के अलावा, जैसे हफ्ते में एक दो वीडियो बड़े वाले भी आ जाए 30-30 मिनट के रिएक्शंस, तो वो भी तुमको देखने को मिलेंगे। और आई एम वर्किंग ऑन द न्यू EP, ठीक है। नया गाना रिलीज हुआ था, तुमने बहुत अच्छा प्यार देखा, जिसने नहीं सुना है डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, जाके सुन लेना भाई, बहुत तगड़ा रिस्पॉन्स, ठीक है। एक ऑडियो पे एक फ्रीवर्स भी इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिखा रहे हो, मैंने सोचा EP ड्रॉप करते, ठीक है। सो आई एम वर्किंग विद द प्रोड्यूसर्स, ठीक है, वो भी आने वाली है, थोड़ा टाइम लगेगा, बट ये सब पीछे पीछे चल रहा है, ठीक है। सो ये बहुत लोग को पता है कि जब भी मेरा एग्जाम से देता था मैं थोड़ा सा इनकंसिस्टेंट होता हूँ, ब्रेक लेता हूँ, मेरी पुरानी जिंदगी को सबको मालूम है, ठीक है। और ये लास्ट सेम है, लास्ट जंग है, तो थोड़ा सा सपोर्ट दिखाना, थोड़ा सा साथ में रहना, ठीक है। बहुत जल्दी वापस आ जाऊंगा मैं, दैट्स द सीन। उसके बाद लास्ट टाइम के बाद अपन फुल टाइम यूट्यूब करने वाले हैं, आगे स्टडीज करेंगे, बट वो थोड़ा सा ऑनलाइन है MBA, सो चलता रहेगा वो चीज़ें, उसमें दिक्कत नहीं आएगी। सो कंसिस्टेंट वीडियोस आने वाले हैं, बस थोड़ा सा टाइम वेट कर लो, हो गई ये बातें। अब पता था मेरे को कि यार मतलब मैं ब्रेक पे हूँ, बट तुम इस वीडियो के लिए इतना रिकमेंड करोगे मेरे को, ठीक है। सो मेरे को आना ही पड़ा, ये अनाउंसमेंट भी करनी थी, और इसको अपन नहीं छोड़ सकते, बैड बैड एल्बम भी आने वाली है, सो उसको भी अपन ट्राई करेंगे पूरा का पूरा कवरअप करने का। फिलहाल जो नया म्यूजिक वीडियो है उसका नाम है तेई, और जस्ट अभी ड्रॉप हुआ, थैंक्स टू संदेश गौतम भाई फॉर द ट्रांसलेशन। ज्यादा बातें हो चुकी है मेरे को पता है, सब लोग गाने का वेट कर रहे हैं भाई, तो फिलहाल के लिए इसको चालू करते हैं, एंड खुद से रुका नहीं जा रहा भाई मेरे को। ये सेट क्या है भाई, ये सेट क्या है भाई, ठीक है। पूरा मतलब वाटरफॉल, पूरा झरने वरने, सोफा वोफा, मॉडल लैम्प्स, सब क्या बनाया भाई, ऐसा लाइव सेट जो डिजाइन करते, उधर क्लॉक लटक रही है, जान दो भाई, ये पूरा इंटरनेशनल सीट लेके आया, तो बिल्कुल देर न करते 35K सब्सक्राइबर्स के करीब है, तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो और पहुंचा दो वहां तक भी, आज पोस्ट डाल दे, ठीक है। फिलहाल के लिए लेट्स गेट इट, आ जाओ भाई, हाइप कर दो भाई, गिटार्स भाई, इट्स हू वेट करो यार, पता मैं कुछ दिनों से ना इसी वाइब के गाने सुन रहा हूँ, ठीक है। अगर तुमको नहीं मालूम है J-Tricks इंडिया से, तो तुम जाके चेक करना उसका नया एक गाना है ब्लो अप करके, प्रमोशन नहीं है भाई, मैं तुमको बता रहा हूँ कि इस वाइब के गाने में आजकल बहुत सुना, और वो भी इसी वाइब का गाना है, ठीक है। सो उसमें भी बहुत दिल टू दिल की बातें होती है ना, समझ रहे हो, उस टाइप में चले जाते हैं। तो मेरे को इस गाने में भी ऐसा लग रहा है कि भाई दिल टू दिल की बातें तो होने ही वाली है, दैट्स द सीन। सो इसने स्टार्ट किया, एंड द लिरिक्स गोज लाइक समथिंग, जो कि बोलता है कि अंडरग्राउंड पारा, मतलब जो मेरा एटीट्यूड है वो पूरा अंडरग्राउंड टाइप का है, ठीक है। उस पर हुडी एंड कैप लगा के मैं आया हूँ, ठीक है। फ्लेक्सिंग थिंग्स तो पहले आ जाती है, ठीक है। वो बोल रहा है कि 2 kg हैश इनसाइड बेबीज बैग, तो ठीक है, वो कैनबस की बात कर रहा है यहाँ पे, अपन एक्सप्लेन कर देते साथ साथ में, ठीक है। और खुकुरी गैंग इनसाइड पुलिस वैन बेसिकली, क्योंकि खुकुरी इज वेरी फेमस इन नेपाल, इट्स लाइक अ क्या बोल सकते हैं, नाइफ जैसा कोई वेपन होता है, ठीक है। सो पुलिस की वैन में बैठ के हमारी खुकरी गैंग बैठी हुई, समझ रहे अंदर, और FIR एट पुलिस स्टेशन जो मुझ पर हो चुकी है बेसिकली। वो बोल रहा है सेक्सी चिक्स पुसी एंड कैश इज अराउंड मी बट आई एम मिसिंग माई गर्लफ्रेंड, ठीक है। ये वीटर मेरी लाइफ थोड़ी मिलती जुलती क्यों लगती है हमेशा से, ठीक है, जाने दो भाई, अभी उस बारे में बात नहीं करते। बट आई डोंट वॉन्ट टू डम्प हर, मतलब सब कुछ है मेरे पास, ठीक है, सारी गर्ल्स भी है, कैश भी है, स्टैक भी है भाई, ठीक है, बट यो मेरे को अपनी गर्लफ्रेंड की बहुत याद आती है, उसको मैं डम करना नहीं चाहता भाई साहब, ब्रो ब्रो कोड़े यार, ये तो पूरा पूरा भाई, दिस मॉडल होल्ड ऑन भाई, रुक जाओ यार, ठीक है। जो जो अराउंड मेरी बिचेस हैं वो, ठीक है, मेरे को ट्रैप करने की कोशिश करती है, आई एम फॉलिंग इन ट्रैप बट आई एम डूइंग द सेम शिट, ठीक है, मैं निकल नहीं पा रहा हूँ उस चीज़ से, माई लाइफ इज फक्ड अप, एवरीवन इज ट्राइंग टू पुट मी ऑन अ ट्रैप, ठीक है। जब जैसे जैसे मैं फेमस होते जा रहा हूँ वैसे वैसे लोग मुझे ना फंसाना चाहते हैं, मतलब ये चीज़ें मैं बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाता हूँ, क्योंकि मतलब मैं तो अभी
अभी चढ़ रहा हूँ थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है। तो मतलब मेरे उसमें भी ऐसा होता है कि बहुत सारे दोस्तों से बात करना बंद करनी पड़ती है, ठीक है। मतलब फिर वो कहाँ की बातें कहाँ पहुँचाते हैं, ठीक है, बाहर अलग जाके कुछ बोल देते हैं। तो मैं तो सोचता हूँ कि अभी तो मैं जस्ट चालू हूँ, वीटन तो किस लेवल पे है ब्रो, ठीक है। तो मतलब तुमको अगर ये बहुत गलत फैमिली है कि पता है बंदा फेमस होता है ना तो उसके पास बहुत सारे लोग आ जाते हैं, बहुत सारी बिचेस आ जाती है, बहुत मज़े करता है वो, ठीक है, बहुत सारी बातें शेयर कर पाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, बहुत सीक्रेटिव रहना पड़ता है, ठीक है। और मतलब पता नहीं तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते उसकी लाइफ कैसी होगी, मतलब एक चीज़ बोलने से पहले भी वो 100 बार सोचता होगा कि भाई मैं किसको ये चीज़ें बताऊँ, ठीक है। मतलब जाने दो यार, बहुत झूठी चीजें फैलती है भाई। इस बारे में अपन कोई अलग से लाइव सेशन करेंगे, बट फिलहाल के लिए गाने को एंजॉय करो यार। जब हम के गर्न सोची राखे आफ्नो साथी भाइ खोजी राखे दुनियामा सम्बन्ध जोडी राखे तुदै छ आफन्त परिवारले कुकुरको जिन्दगी भोगी राखे चलाके मा आफ्नै तरिकाले बानी लागेको थियो गोटे खाने रक्सीको नसामा गन्डे हाने मैलाई जस्तोटी सरी मागे मैले झुटो कसम पनि खाथे गल्ती म गर्दिन भनी राखे तर फेरि त्यही गल्ती नै गरी राखे गुलाबको फुल जस्तो कमलो मुटुलाई फेर्दैछ पीडाको हसिनाले विश्वासै लाग्दैन केही पनि त्यही पनि मरेको आत्मालाई बत्ती बाले आखिर केही छैन मरि डैम बहुत सारी चीज़ें अपन आराम से ज़्यादा है, ठीक है। व्हेन आई वाज थिंकिंग टू डू समथिंग न्यू आई वाज सर्चिंग फॉर माय रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स, ठीक है, जिनसे मैं बॉन्ड बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, सबको अपने करीब लाने की कोशिश कर रहा हूँ, बट जो मेरे रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स है वही मुझ पर थूक के जा रहे हैं, ठीक है, स्पिट करके जा रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि आई वॉज फेसिंग लाइफ लाइक अ डॉग, कुकुर बोला ना उसने, तो डॉग होता है, ठीक है। तो आई वॉज इन माई ओन वे, आई वॉज एडिक्टेड टू ड्रग्स बेसिकली, ठीक है, एंड आई यूज टू फक बिचेस वाइल आई एम ड्रंक। तो वो पूरी अपनी लाइफ स्टाइल हमेशा बता के जाता है कि मैंने क्या क्या किया है, ठीक है, क्या चीज़ें मैं रिग्रेट करता हूँ। आई अपोलोजाइज टू माई बुधी मतलब गर्लफ्रेंड को 10 टाइम्स मैंने अपोलोजाइज कर चुका है, बट मैं सेम मिस्टेक्स बार बार वही चीजें करने लग जाता हूँ, ठीक है, मैं खुद को रोक नहीं पाता, ठीक है। और उसने अभी बेसिकली यू नो सॉफ्ट हार्ट लाइक रोज वाला जो टर्म यूज किया, मेरे ख्याल से वो इसलिए है क्योंकि ले जो फ्लावर्स होते हैं, ठीक है, उनको एज अ केयर की जरूरत होती है, ठीक है, बट उस लड़की का जो दिल था वो सॉफ्ट था एंड मैंने उसी को यू नो ट्रॉमा में डाल दिया, मतलब उसका दिल तोड़ दिया बेसिकली, उसको केयर नहीं की उसकी, तो वो एक टर्म हो गया। एंड दूसरा उसने बोला कि यू नो मेरी जो आत्मा है वो तो मरी चुकी है, ठीक है, फिर भी मैं कैसे भी उसको रिवाइव करके जिंदगी जीने की कोशिश कर रहा हूँ। भाई इस बार डीप शिट लिखा भाई पूरा यार, आने दो यार विटन भाई। रुको भाई, वो बोल रहा है एट लास्ट वी वोंट टेक एनीथिंग विद अस, मतलब यू नो मरने के बाद तो कुछ लेके जाने वाले नहीं है अपन यहाँ से, यही सोच रख के मैं हमेशा जिंदगी मौज मस्ती में ही निकाल दी। मतलब मैंने आगे की कुछ इन्वेस्टमेंट्स के बारे में नहीं सोचा, अच्छा कैसे लाइफ आगे जीनी उसके बारे में नहीं सोचा, बस आता गया और मैं यू नो डालता गया भाई, ठीक है, पैसा आ रहा है जा रहा है भाई, ऐसा सीन है, ठीक है। यहाँ पे वो बोल रहा है डन शॉपिंग ऑन दुबई विच कॉस्ट लैक्स, मतलब लैक्स में शॉपिंग पड़ी उसकी, ठीक है, एंड जो स्लीपर्स मैंने लेके घूम रहा था कि उसका उतने पैसों का तो बेसिकली मैं लैंड खरीद सकता था, पर मैंने वो चीज़ें नहीं करी, मैंने स्लीपर्स ली भाई, समझ लो। ये हिप हॉप में बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, फ्लेक्सी थिंग्स पे बहुत ज़्यादा अपन यू नो पैसा वेस्ट करते हैं, बट द मेन थिंग इज कि वो ये चीज़ें रिग्रेट करते हैं, दैट्स अ बिग थिंग, ठीक है, कि उसको पता है कि मैंने गलती की है, फकअप हो गया भाई, अभी अभी अपने को ठीक करना है, ठीक है। सो वही है, ब्रेक के बाद मैं भी कंसिस्टेंसी के लिए ऐसा ही सोचता हूँ भाई, फकअप किया अभी करना पड़ेगा, तो वही चीज़ है। तो रिग्रेट करने वाला पर्सन हमेशा आगे ही बढ़ता है, ठीक है। मतलब ये चीज़ें मैंने एमवी में भी बहुत ज़्यादा देखी है कि ना यार वो एमवी में कमर्शियल गाना भी निकालेगा ना भाई, तो उसमें ना कुछ तो ऐसा बोल के जाएगा कि उससे पता चलेगा कि सक्सेस करनी कैसे, कि बोल रहा है वीटन भी ऐसा ही कि मैंने कर ली, अब तुम्हें बताता हूँ कि मैं करना कैसे, ठीक है, ये गलतियाँ तो कभी मत करना, ठीक है। तो वह चीज़ है, मोटिवेशनल बंदा है और हमेशा कुछ अच्छी चीज़ें देखने को मिलती है इसके पास से। लेट्स गो। भाई साहब यार प्रोडक्शन किसका है भाई, यार मैं बहुत नई नई चीजें नोटिस करता हूँ, ठीक है। एक तो इसको देख के मैंने ना इधर आंखों के नीचे वो रोने वाला जो होता है ना यार, वो इमोजी टाइप का जो भी, वो मैंने टैटू कराने का सोच लिया था भाई, तो मैंने थोड़ा खुद को रोका, भाई रुको यार थोड़ा, है ना, अब थोड़ा ऊपर चढ़ जाए फिर करेंगे ये सब। और यार इसके जो इधर स्माइली का वो भी टैटू है, ठीक है, मतलब वो सैड फेस दिखाना चाहता है भाई कि किस फेस से मैं गुजर रहा हूँ, और अंदर से तो मैं भाई टूटा हुआ है, ठीक है। मतलब मैं बहुत बार सोचता हूँ कि इधर यार ब्रोकन हार्ट का टैटू बनवा लूँ, मेरे दोस्त बोलते मतलब तू क्या करने के सोच रहा है, पर मैं वो सोचता हूँ कि यार
ये दिल टूटा है भाई, उस वजह से तो अपन ऊपर चढ़ रहे ना भाई, तो अपनी अपना जो अंदर है उसी को तो बाहर रखे घूमे ना यार, अपनी इमेज वही कैरी करे ना वैसे ही। तो ये बंदा वैसे लगता है पूरा ट्रू रहता है खुद से, ठीक है, और सब कुछ बताता है भाई कि ये चल रहा है भाई जिंदगी में, ठीक है, तुम लोग भी सुनो भाई, ये कुछ छुपाने जैसी बातें नहीं है। बट भाई बहुत सही गाना है, ठीक है, हर बार कुछ यही तो है ना यार कि कुछ नया देखने को मिले ना, मेरे को वो अच्छा लगता है कि यार फ्लेक्स तो हर कोई कर लेता है, कुछ सिखा के जाए बंदा वो पूरा अलग हो जाता है, ठीक है। सो डैम बॉय मस्त लगा मेरे को, स्ट्रीम डाउनलोड ठीक है करेंगे भाई, वेरी टैलेंटेड एनर्जेटिक नेपाली रैपर, लेट्स गो भाई, विटनेस द ओनली वन हु ब्रिंग्स न्यू वेव इन नेपाली हिप हॉप सीन, लेट्स गो, दिस सॉन्ग इज नेवर ओल्ड भाई, लेट्स गो भाई, ये लूप पे बजने वाला है, पता है मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि अभी जाके मैं प्लेलिस्ट में डाल दूंगा, डालूंगा ही भाई, व्हेनेवर वी फील हैप्पी वी वाइब विद द बीट्स एंड व्हेनेवर वी फील सैड वी फील द रियल मीनिंग ऑफ वर्ड्स एंड वी क्राई फॉरवर्ड, भाई रो जाऊंगा अभी, रुक जाओ यार रिएक्शन बंद करना पड़ेगा जल्दी से भाई लोग। बाकी ये नया बाल कैसा लग रहा है यार, कटवा दिया मैंने यार, शिट भाई, चलो बढ़ा के आता हूँ मैं जल्दी से, और बाकी थोड़ा सा वेट करो, सब्सक्राइब करो यार, ठीक है, जितने भी बंदे, और अपना ओपिनियन मुझे कमेंट सेक्शन में दे देना, ठीक है, बाकी मिलते हैं और अच्छे रिएक्शन में, स्टे सेफ, वेयर मास्क, टेक केयर एंड टाटा। तेरी वो ब्लैंकेट छोटा सा बॉक्स, लाइट्स वो ऑफ एंड वी वर सो क्लोज, स्लोली किस भी खो चुका होश, थमती है दुनिया मेरी सोच के रोज।